हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। इस ऑडिटोरियम में कुल 1500 लोगों को एंट्री मिलनी है, सीट्स मिलनी है। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच ए वे दैट ईच सक्सेडिंग सर्कुलर रो 10 सीट मोर देन द प्रीवियस वन। हर रो में पिछली रो से 10 सीट ज्यादा होंगी और टोटल 1500 सीट होंगी। तो ये क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है, इफ फर्स्ट रो हैज 30 सीट्स, अगर हम पहली रो में 30 सीट्स ले लेते हैं और फिर हर रो में 10 सीट ज्यादा है हर नेक्स्ट रो में, तो डी कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरह से हमारी एपी बन जाएगी 30, 40, 50। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो उसने पूछा 10th रो में कितनी सीट होंगी। तो 10th रो का मतलब हमें यहाँ पे A10 फाइंड करना है और एपी में AN का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, यानी A+9D। तो 30+9 × 10 120 सीट्स, यानी 10th रो में 120 सीट होंगे। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, उसमें क्या बोला गया है। 1500 सीट्स हैं टोटल, हाउ मैनी रो नीड्स, तो कितनी लाइन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेंगी, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। कितनी रो निकालनी है, रो का मतलब हमें 1500 सीट टोटल गिवन है, यानी ये SN हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो SN है वो 1500 हो गया, सम ऑफ ऑल सीट्स, ठीक है। तो N अब हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। N का मतलब कितना है इस क्वेश्चन में, N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो N अपॉन 2, 2 × 30 + D की जगह 10 रख देंगे, तो n अपॉन 2, 60 + 10 n − 10। तो n अपॉन 2, 50 + 10 n। यहां से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n+5/2 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये यहां पे चलो यहीं पे देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे करवा हुआ है क्वेश्चन। तो ये कट गया, 5 आ गया और 5 से ये कट गया 300। तो इक्वेशन बन गई n² + 5n − 300 = 0। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। तो मिडिल टर्म सबको दिखाई दे रहे हैं, 20 and 15। तो 20 और 15 यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 15, क्योंकि माइनस में 20 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 15 रोज हमें यहाँ पे लगानी पड़ेंगी अगर टोटल 1500 सीट हमें यहाँ पे करनी है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है। उसने बोला है कि 1500 सीट्स अरेंज करनी है, हाउ मैनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। अगर 10 रो हो जाएंगी तो उसके बाद कुल कितनी सीट हमें यहाँ पे भरनी, कितनी सीट और बचेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स वन टू 10th रो, टोटल 10 रो तक कितनी सीट हो जाएंगी, उसके लिए हमें S10 निकालना पड़ेगा। तो n/2, 2a + 9 × 10, 5 × 60 + 90, 10 9 जा 90 और 60 150, तो 5 × 150, 750, यानी
10th रो तक 750 सीट्स होंगी, तो इसके बाद कितनी बचेंगी ये पूछा गया है। हाउ मैनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, तो 10th रो के बाद कितनी सीट्स बचेंगी। नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर 10th रो, उसके लिए 1500 में से 750 माइनस कर देंगे तो 750, ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है उसने जो पूछा है, अगर 17 रोज होंगी हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, तो मिडिल रो में कितनी सीट होंगी। तो अगर थर्ड पार्ट है, इफ एन 17 है जो कि ओड नंबर है, तो मिडिल रो कितनी होगी। 17 + 1/2 9th रो मिडिल टर्म मिडिल रो होगी, तो इसका मतलब 9th रो में कितनी सीट होंगी, इसके लिए हमें A9 निकालना पड़ेगा। तो A मतलब 30 + 8 × 10 110, तो 9th रो में 100 सीट होंगी जो कि मिडिल रो होगी, सबसे बीच वाली रो होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।